हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, लूना गोश्त, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और डिलीशियस, झट से बन जाता है। 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने मटन ले लिया आधा किलो, उसको अच्छे से वॉश कर लिया हमने, ये देखिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर में इसको मटन को ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। पानी उतना ही लें जितने का आपका मटन गल जाए। 2 रफली ऐसी मैंने अनियन काट लिया, इसको ऐड कर देंगे इसमें। रफली ही काटी मैंने। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे हम। अब इसमें कटी हुई मोटी मोटी हरी मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देंगे जिससे मेरा मटन अच्छे से गल जाए। अब इसको 4 से 5 हम सीटी ले लेंगे जितने में जब मेरा मटन गल जाए। 1 टीस्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे, बाकी का हम बाद में डालेंगे, अभी हम थोड़ा सा ही डालेंगे। अब 4 से 5 हम सीटी ले लेंगे जब तक मेरा मटन गल ना जाए। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनता है। अब हम इसको मटन को अच्छे से गला लेंगे। ये देखिए मटन गल गया है अच्छे से, इसको चेक कर लिया मैंने, मटन मेरा गल गया है। अब हम इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे, अगर आप चाहें तो ट्रांसफ़र कर लेंगे या इसी में बना लें। चलिए इसको हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए मटन को हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसका जितना भी एक्सेस वाटर है सब जला लेंगे हम अच्छे से, जितना भी है अच्छे से। बहुत डिलीशियस बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो लोग नए हों मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब आप ये गोश्त की रेसिपी बनाएंगे, इसे घर में खिलाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। ये देखिए इसका वाटर मैंने सारा जला लिया है गोश्त का, एकदम ये ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऑयल गर्म करके, इसको ऑयल को हमने अलग से गर्म कर लिया है, मैं ऐड कर देंगे ऑयल। वो आप ऊपर से इस मत डालिएगा कच्चा, वरना इसका कच्ची स्मेल आ जाएगी। आप इसको अलग से गर्म करके इसमें ऐड कर दें। ये देखिए इसका कलर इतना अच्छा आ गया है। इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे अब। ये देखिए 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। चलिए इसमें अब थोड़े मसाले ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल लें, थोड़ी सी ग्रीन चिली इस तरीके से मोटी कटी हुई, थोड़ी सी अदरक कुटी हुई। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बहुत अच्छा बनता है ये। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का गोश्त है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए ऑयल भी मेरा सेपरेट सब हो गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। 1/2 टीस्पून आप ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, से टेस्ट और अच्छा होगा इस मटन का। थोड़ा सा चाहे आप पानी डाल के इसको पका लें, पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिएगा। ये देखिए इसको 10 से 5 मिनट तक आप लो फ्लेम पे पका लें। ये देखिए लूना गोश्त मेरा तैयार हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। 15 से 20 मिनट लगे इसको बनने में, उतना ही टाइम लगता है जितना मटन गलने में लगता है, बाकी टाइम नहीं लगता। ये देखिए टेस्टी डिलीशियस लूना गोश्त मेरा तैयार हो गया। चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं अब। ये देखिए लूना गोश्त मेरा तैयार हो गया, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं, थोड़ी सी कैप्सिकम ऊपर से, ये बारीक कटी हुई अदरक। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आप पराठे या इसको बटर नान से करें तो बहुत टेस्टी लगेगा, रोटी से भी अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए सुपर टेस्टी लूना गोश्त तैयार है गर्मा गर्म। मेरे चैनल को ज़रूर ज़्यादा सब्सक्राइब करें।